हमारे कठोर जीवन, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई मैं नहीं, अपना ऐसे जीवन में ही ऐसे 32 साल उम्र तक, 30 साल उम्र तक, हाँ लगभग 30 साल, आठ साल उम्र तक हमको कोई आग्रह ही नहीं था भगवत विषय, कोई माने लेश मात्र हमारे भीतर कोई आग्रह नहीं था, एकदम पूर्ण बहिर्मुखता, पूर्ण 100% 0.01% भी भगवत उन्मुखता हमारे भीतर था नहीं। हमारे जब जन्म हुआ ना, तो हमारे वहां बंगाल में अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन माने 6 महीना में कि 7 महीना में मुंह में प्रसाद देते हैं, उस दिन से उसका प्रसाद खाने का मन, अन्न खाने का उसका ये हो जाता है, नियम कर लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, पहले देते नहीं। तो उसका एक अनुष्ठान होता है, बड़ा अनुष्ठान, शादी ब्याह के तरफ बहुत खर्चा होता है, उसमें भी एक अनुष्ठान, एक अन्नप्राशन, और इधर होता है नामकरण संस्कार, उतना खर्चा खर्चा नहीं करते हैं, हमारे बंगाल बड़ा बड़ा खर्च करता है उसमें, शादी ब्याह जैसे उपनयन से भी अन्नप्राशन में ज्यादा खर्चा करते हैं, अन्नप्राशन सब रिश्तेदार कुटुंब सब निमंत्रण करेंगे, भेंट भेंट ये सब चढ़ाएंगे। तो जिस दिन हमारे उपनयन संस्कार है, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार अन्नप्राशन, उस दिन चार पांच जटा जुट कर साधु आ गए, आकर के अनजान, कोई जानकारी है नहीं, जटाजूट धड़ी करके अपने माथे पर आशीर्वाद करके बोल गए, बाबा मैया तुम्हारे ये बच्चा ना साधु होगा, बोल के चले गए, आशीर्वाद दे करके चले गए। तो बचपन में एक दिन हम खाने बैठे हैं, एक भिखारी आया, माँ कुछ भिक्षा दीजिए, हम भी खाने बैठे हैं, मैया खाने बैठी है, हमारे भाई खाने बैठे हैं, मैया और हम ही शायद। तो मैया मुंह धोने जा रहे, हम बोलते मैया तुम बैठे रहो, हम देते हैं। तो हम उम्र है उस समय हमारा 8-9 साल उम्र है कि 7-8 साल उम्र है, तो हम बोले तुम उठ, मत उठो, मैं मुंह धो के दे रहा हूँ। तो मैं उठ के हाथ धो के मुंह धो के, हमारे नियम था हम लोगों का घर में जो कोई भिखारी खाली हाथ लौट के जाना नहीं चाहिए, अभंगल होता है, ऐसे संस्कार हमारे परिवार में। तो उतना छोटा बच्चा ऐसे आग्रह देख करके वो जो भिखारी बहुत गदगद हो गए, जब बहुत जगह जाते हैं भिक्षा मिलता नहीं है, जाओ जाओ आगे जाओ, ऐसे खाने बैठे हैं मुंह धो के कौन भिक्षा देगा, जाओ बाबा आगे जाओ, जाओ बाबा। और मैया तुम्हारे घर का तो बहुत साधु स्वभाव है। तब मैया कहे हाँ बाबा, उस दिन मैया कहे हाँ बाबा ऐसे है, इसके अन्नप्राशन के समय एक साधु आ गए और आशीर्वाद करके गए, तुम्हारे बच्चा साधु होगा। तो वो शब्द हमारे भीतर बैठ गया है, बैठ गया बैठ गया। तो दिन बीत गया, माँ चले गए, पधार गए, पिता चले गए, नाना प्रकार घात प्रतिघात द्वंद संघात उसके अंदर, नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर हमारे कठोर जीवन, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, ऐसे वीर बीतते हुए, नौकरी मिल गया कोई रकम, बहुत सारी कहानी है। लेकिन उस समय पूरा मटेरियल्स लाइफ किंचित मात्र हमारे भीतर भक्ति भावना या
कोई रकम भगवत बुद्धि परमार्थिक बुद्धि हमारे भीतर 0% 0.01% भी। तो वो शब्द हमारा कभी कभी दिमाग में आता था जी, साधु ने कह दिया ये लड़का तुम्हारा, ये लड़का साधु होगा। हम बोले देखो ऐसे साधु है आजकल, साला ठगबाज, ऐसे ऐसे शब्द कह करके बहकाते हैं, ये लोग कुछ जानते नहीं है, हम साधु होंगे। कभी कभी हम जब उस समय हमारे मानसिक स्थिति जैसे पूरा संसार उन्मुखी एकदम पूर्ण रूप से फुल फ्रेज, सिनेमा देखना, गैम्बलिंग करना, ये सब नाना प्रकार ये सब खूब, दोस्तों के साथ मिलना जुलना नाना प्रकार, जैसे मटेरियल्स जीवन जैसे होता है एकदम पूर्ण ऐसे। संगीत में संगीत वंगीत तो आए तो बचपन में ही आए, बहुत सारी कहानी है संगीत में, तो हमारे जीवन का ही साथी था संगीत। तो हमारा जब पूर्ण जौवन हमारा है उस समय, तो हमारा कभी कभी वो शब्द हमको मन में आता था, बोले देन ये कैसे शब्द कह दिया हम साधु बनेंगे, हमारे भी तो लेश मात्र भगवती भावना है नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये सब था, साधु लोग ऐसा ही है, सब कह देते हैं, मुंह में आया कह दिया ये साधु बनेगा, ये तो कभी कदापि ये संभव नहीं है। कभी कभी मन में वो भाव माँ के शब्द हमको टोकता था कभी कभी हमारे भीतर, बोले ऐसा तो होना कदापि संभव नहीं, हमारी ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ कभी भगवत भजन करेंगे कैसे कहते हैं ऐसे सब साधु है आजकल, सब ठगबाज साधु है, लेकिन हो गया। एक रात में चेंज आ गया, एक रात में हमारे भीतर चेंज आ गया। हम जब पूरा फुल फ्रेज में हम एक पूरा सकाम संसार उन्मुखी सब अवगुण के खान भोग लालसा सब अवगुण से भरा हुआ एक प्राकृत बुद्धि संपन्न एक जीवात्मा, उस स्थिति में हमारे जिस घर में हम किराया रहते, कोई तो माँ बाबा कोई था नहीं, कोई तो नौकरी करते हैं, किराया में घर लेकर खाते हैं पाते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कुछ नहीं, तंका पाते हैं, उसी हमारा खर्चा मस्ती से गुजारा होता है, मस्ती से रहते हैं। संगीत सितार वाला, सितार वाला वो वाला उस समय का फोटो जो देखो देखा सितार बजा रहा है, उसी समय का फोटो है, पूरा मटेरियल्स फुल मटेरियल्स फर्म मुझे सितार बजा रहे ना बीच में बाबा ये तो रात को ऊपर में एक मैया रहती थी, मैया तंत्र उपासना करती थी, देवी साधक देवी उपासना, ऊपर में मंदिर था, देवी मंदिर काली मंदिर उपासना करती थी। तो रामकृष्ण परमहंस देव का कथामृत एक दिन लाकर काम को बोलता है, हमारा नाम तो विनय, पूर्वाश्रम में पूर्व नाम विनय था, विनय तुम इस ग्रंथ को पढ़ो। तो रामकृष्ण कथा मृत बोले कथा मृत अच्छा है, श्रद्धा तो थी नहीं लेकिन अश्रद्धा भी थी नहीं, ऐसे नहीं जो अश्रद्धा थी, ऐसे नहीं श्रद्धा थी नहीं लेकिन अश्रद्धा भी नहीं थी, चलो पढ़ो। रात में पढ़े हैं, रात के अंदर हमारे भी तो पूरा फुल चेंज आ गया, पूरा जहां जो जिस जीवन लीड कर रहे हैं ये कोई मनुष्य जीवन नहीं, इस जीवन का चेंज होना चाहिए। हम मिस गाइड हो रहे हैं, गाइडलाइन हमारा ठीक नहीं है, ये फ्रेंड सर्कल समाज जीवन बंगाल में तो ऐसे कोई आध्यात्मिक कोई भावना है ही नहीं,
खान पीन दूषित है और इस जीवन का चेंज होना चाहिए, फूड चेंज होना चाहिए। रात के अंदर हमारे भीतर फूल चेंज आ गया एवं हमने पूरा तय भी कर लिया इसको फूल चेंज करके हम छोड़ेंगे, जितना बिगड़े हुए हैं उतना हम सुधरेंगे, ये लाइफ चेंज करना है, तय भी कर लिया, टारगेट भी ठीक कर लिया, क्या करना है, नहीं यहां से ये समाज जीवन से हमको दूर जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, हमारे जीवन में अनुशासित जीवन होना चाहिए, इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमको अनुशासित जीवन होना चाहिए, उस अनुशासित जीवन के लिए हमको पूरा अकेला होना पड़ेगा, और हमारे जितना जितना भीतर की जो हमारी वृत्तियां हैं इसको चेंज करने के लिए, उस तरह से हमको चेंज लाने के लिए हमको कठोर जीवन लीड करना पड़ेगा। तो क्या करें, चलो यहाँ से छोड़ो, ऐसे जगह चलो जो हमको कोई पहचानता नहीं है, जानते नहीं है, ऐसे जगह के में घर लेकर के किराया लेकर के हम अनुशासित जीवन लीड करें। तो फिर वहाँ से हमने दूसरा जगह अचिन अनजान जगह 3 तला के ऊपर एक घर रूम ले लिया किराए में, अब शुरू हो गया हमारा अनुशासित जीवन। क्या करेंगे भाई, सारा दिन बैठे हैं, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, दर्जा बंद कर दो, बैठे रहो, कहाँ तक बैठे रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें, आप करें तो करें क्या, कुछ तो करना पड़ेगा, परमार्थिक जीवन संबंध हमारा कोई धारणा नहीं, भजन करेंगे, क्या करेंगे, किसका करेंगे, क्यों करेंगे, भगवान कौन है, उससे संबंध क्या है, कुछ जानकारी नहीं है, कौन सा लाइन अपनाएंगे, ये सब नाना प्रकार प्रश्न आकर के। तो लेकिन एक ही वस्तु है, हमने एक बड़ा गीता खरीद लिया, एक गीता खरीद लिया, कुछ नहीं तो भाई कम से कम गीता लेकर के तो कम से कम ये तो सत्य है, तो गीता में हम दिन रात गीता में एकदम लगे रहे, गीता में एक एक श्लोक बैठे, एक एक शब्द अच्छी तरह से, एवं उस समय हमको गीता की कृपा से बहुत अनुभव भी कराया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी ने हमको गीता की सत्यता इस संबंध में हमको पूर्ण विश्वास दे दिया, जो गीता भगवत वाणी है, गीता सत्य है, ये विश्वास हमको ठाकुर जी ने दिला दिया। फिर ठीक है, गीता पढ़ने से होगा नहीं, गाइडलाइन हमको चाहिए, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वहाँ पर एक दोस्त मिल गया, लाइब्रेरी में मतलब काम करता है, तो उससे दोस्ती हो गया, तो उसका कार्ड से हमको लाइब्रेरी में जो धर्मीय चैप्टर है उसमें 9 लाख ग्रंथ था वो लाइब्रेरी में, अभी तो कितना होगा 50 लाख तक होगा, ऐसे विशाल मंजिल का लाइब्रेरी है। तो हम वहाँ से देते हैं, ये ग्रंथ हमको भेजो, ये ग्रंथ हमको भेजो, एक एक ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर उसको दे देते हैं, फिर वो अपना कार्ड से होता खड़ी थी कहाँ पढ़ेंगे, फिर वो ग्रंथ हमको लाइब्रेरी ले जाता, कौन सा ग्रंथ चाहिए, धर्मीय ग्रंथ, एक तंत्र मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये वो भारवती साधक, ऐसा करते करते 5 साल हमने ग्रंथ के अंदर डूबे रहे, श्री तत्व जानने के लिए, तत्व क्या है, हम भजन करेंगे तो क्या भजन करेंगे, कौन सा भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, क्यों करेंगे, क्या संबंध है भगवान का, भगवान कौन है, हम कौन है, हमसे भगवान का संबंध क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि से हमारा मतलब क्या है, सृष्टि हम कौन है, सृष्टि क्या है, ये सब जिज्ञासा जानने के लिए हम नाना प्रकार 7 साल तक, 6-7 साल तक ग्रंथ के अंदर डूबे रहे, सुबह शाम तक, नौकरी तो ऐसे ही था, जाओ जाओ मत जाओ मत जाओ, तनखा घर में आ जाता था, समय भी ऐसा मिल गया, 5-7 दिन पीछे एक बार ऑफिस जाती थी, अटेंडेंस का कोई नाम निशान नहीं, अटेंडेंस का जरूरत ही जाओ तंका लो घर में बैठे रहो, नौकरी भी ऐसे ही, राजा का नौकरी था, राजा की कृपा से, और दिन रात ग्रंथ में डूबे रहते थे,
लेकिन सभी ग्रंथ सभी शास्त्र एक ही बात कहते हैं, साधु संघ। आप साधु संघ कहाँ मिलेगा? आप दक्षिणेश्वर, वहां से दक्षिण रामकृष्ण परमहंस देखकर दक्षिणेश्वर बाली है, विवेकानंद बेलूर मठ, विवेकानंद गांव बेलूर मठ, ऐसे नाना प्रकार गंगा के किनार में चलते थे एकदम उदास होकर के। कितना साधु का डेरा जहाँ देखते थे उनका साधु के पास जाते थे, कितना जोगी नैसी, कितना प्रकार साधु संत, वो रास्ते में साधु देखते थे उसके पीछे पीछे चल देते थे। साधु संघ जानते नहीं कौन सा साधु संघ, कैसे साधु संघ, ऐसे करके पागल जैसे घूमते थे, तीर्थ तीर्थ पर्यटन करते थे साधु संघ के लिए, हिमालय घूमते थे, गिरी गुहा गौ भर में ढूंढते थे, वृंदावन में आते थे, गिर जाते थे, इस तरह से साधु संघ कुंभ में जाते थे, साधु संघ साधु साधु गुरुकरण करने के लिए डोलते हैं इधर उधर, कहाँ जहाँ कहाँ कहाँ सदगुरु जाते हैं, पसंद नहीं आता है ऐसे। तो कहने का मतलब है संस्कार जो है ना, जब समय होता है तभी जा करके वो सब संस्कार पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार आ करके उसको चेतन दिलाता है।